मार्केट में लोग 2011-12 बूसा के 11-11, 12-12 लाख रुपए आस्किंग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई भाई आज का वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली जो होने वाला है ना, वो होने वाला है हायाबुसा के ऊपर। तो भाई मैं आज इसको चलाने वाला हूँ। भाई देखो वाकई में सारे पलट पलट के देखते हैं, आंटी भी देख रही है। और आपको रिव्यू देने वाला हूँ इस बाइक का। 2019 मॉडल है ये और 2019 ही रजिस्टर्ड है। वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए हायाबुसा 2019 की सिल्वर हायाबुसा। भाई बहुत ही मस्त बाइक है और स्टॉक बाइक है, तो आज हम उसका करने वाले हैं थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग और आप लोगों को दिखाने वाले हैं उसके कुछ बी रोल और प्राइस बताने वाला हूं। भाई मतलब एक नंबर प्राइस। मार्केट में लोग 2011-12 बूसा के 11-11, 12-12 लाख रुपए आस्किंग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें 2019 दिलवाएगा। मतलब कोशिश रहेगी 14.5 लाख 14 लाख जो भी रहेगा, लेकिन भाई नेगोशिएबल रहेगा, प्राइस ऑन टेबल रिक्वेस्ट होगा जो भी होगा। और विवेक भाई भी आज वीडियो बनाने आ गए फाइनली क्रूजर प्लैट पे, वो भी विवेक भाई के लिए एक्सक्लूसिव बाइक आई थी, मैंने विवेक भाई को बताया था। विवेक भाई पकड़ लिया दुकाटी V4S। भाई तो भाई के चैनल पे जाके वीडियो देख लेना, वो वीडियो आने वाली है। प्लीज सपोर्ट टू बॉर्न क्रिएटर। भाई नियर अबाउट 3 लाख के आसपास ही है हमारा भाई पहुंचने वाला। 287 हो चुके हैं। एंड देन गाइस थैंक यू सो मच गाइस, प्रीवियस वीडियो को आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, बॉर्न क्रिएटर पे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है दब के आप लोगों ने, तो आगे और भी दिखा दो यार, मैं तो यही बोलूंगा। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग देखना बी रोल बूसा के कैसे लगे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, शेयर जरूर। और भाई बाइक बिल्कुल स्टॉक है, बिल्कुल कलर देख लो इतना प्यारा, मतलब मज़ेदार। और अभी इसको चलाते हैं, बाहर लेके चलते हैं रोड पे और देखते हैं क्या टेंशन ग्राब करती है ये। बाकी भाई बाहर जो भी जाता है वो देखता ही है इस बाइक को, तो इसको निकालते हैं और फिर चलते हैं। सो भाई ये रही अपनी बूसा। ओ मैन वाओ, बहुत लोग कह रहे थे कि भाई मोटो व्लॉगिंग नहीं आ रही, भाई आएगी, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। भाई वाकई में ये मतलब ना अलग ही चीज़ है यार, मज़ा आता है जब हायाबुसा चलाता हूँ ना यार, मेरे को बहुत अच्छी लगती है सीरियसली यार, मतलब मेरी तो ड्रीम बाइक है। दे भाई पलट पलट के देखते हैं। एंड गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ शेयर करना, स्पेशली आप लोगों के लिए मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। पिकअप में देख लो हर चीज़ में, 2019 बूसा के बारे में यार ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी बाइक स्टॉक है और हर चीज़ है, फुली इंश्योर्ड है और बाइक में वो हर चीज़ है जो आप लोगों को चाहिए। और इस बाइक को जिसने ले लिया ना भाई, वो तो मतलब बोलेगा यार ये मक्खन चीज़ है भाई। भाई देखो वाकई में सारे पलट पलट के देखते हैं, आंटी भी देख रही है। बट हेलमेट नहीं लगा रखा भाई, बड़ी गलत बात है। एक चीज़ है बस, बूसा को ऐसे ही लेजेंड नहीं कहा जाता भाई, बूसा ही है। ओहो, मेरा बजट होता ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस बाइक को ज़रूर लेता यार, ज़रूर लेता। एंड जो चलाने का मज़ा है ना भाई से, वो अलग ही है, फील अलग है। जब भी कहीं चलती है तो लोग वाकई में ही देखते हैं इसे। एंड गाइस आप लोगों के लिए व्लॉग आते रहेंगे, ऐसे ही बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे। 2019 में इतनी रिफाइंड, मतलब इतना रिफाइंड इंजन है इसका। सो हायाबुसा जिसको भी लेनी हो भाई कांटेक्ट कर सकता है क्रूजर प्लैनेट पे। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। एंड 8699 किलोमीटर अभी तक इस बाइक के डन हैं, ज़्यादा भी नहीं चली है भाई बाइक बिल्कुल भी। और स्टॉक बिल्कुल साइलेंट किलर है ये यार, स्टॉक बाइक है बिल्कुल। और नई वाली बूसा तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा रिफाइंड होगी शायद, जो थर्ड जनरेशन आई है अपनी।
2021, बट ये भूसा भी भाई कम नहीं है। क्या बात है यार, क्या बात है। अगर आपको बाइक लेनी है ना भाई, तो कम से कम 40-50 किलोमीटर जब आप एक बाइक को रन कर लेते हो ना, आपको अंदाज़ा हो जाता है बाइक एग्जैक्टली है क्या, बाइक क्या मांग रही है, बाइक में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है भाई। और सच बता रहा हूँ, क्रूज़र प्लैनेट की किसी भी बाइक में अभी तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करी मैंने, जो भी मैंने बाइक्स चलाई हैं, राइड करी हैं, हर एक चीज़ स्मूथ रहती है, हर एक चीज़ क्लियर रहती है। तो यार ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को, वो यार बाइक वाकई में बहुत अच्छी है। तो आस्किंग प्राइस इसका जो रखने वाले हैं, देखो मैंने मार्केट में देखा है 2011-12 मॉडल के लोग 11-11 लाख रुपए मांग रहे हैं भाई। तो अब तुम खुद सोच लो, ये 2019 है एंड आस्किंग प्राइस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14 lakh 90 कुछ या 14-50 कुछ है, एंड वो भी नेगोशिएबल है, तो और क्या चाहिए। क्रूज़र प्लैनेट पे कांटेक्ट करो, आपको हर चीज़ डील मिलेगी जो एग्जैक्टली आप चाहते हो, हर बाइक की आपको वीडियो मिलने वाली है। सो ये रही हमारी हायाबुसा भाई, वाकई में बाइक एक नंबर है, क्लासी जिसे कहते हैं ना, मतलब मज़ा आ जाए। एंड आपके सामने है बाइक, बिल्कुल एकदम क्लीन, हर एक चीज़ बाइक में पूरी फिट है, एकदम बिल्कुल मज़ेदार, एक नंबर बाइक। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा गाइज। इस व्लॉग में जितना मैंने मतलब कोशिश की अपनी तरफ से आपको इन बाइक्स के ऊपर डिटेल दे सकूं, कॉल कर सकते हो क्रूज़र प्लैनेट पे, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखना। Time to make my wrist bang. The zero gravity keeps elevating me. Born in the darkness, fight for the light. If this ever die, I'ma fight for my life. Keep fighting on, yes, I keep fighting on. We keep moving up, you can't hold us up. So high, yeah, I'm up above the clouds. So high, yeah, I can't see the ground.